राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी के किनारे एक सैकड़ा से ज्यादा गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुकी है। मुरैना के निवासी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। वही राजस्थान को जोड़ने वाला राजघाट पुल पर चंबल खतरे के निशान को भी पार कर गई है। यही हालत चंबल संभाग के दूसरे जिले भिंड की भी है, जहाँ चंबल खतरे के निशान से 1.10 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में आपको बता दें 30 से 35 गांव जो है वो टापू बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले 2013 में भी चंबल का पानी खतरे के निशान को पार कर गया था। हालांकि 2013 में कुछ ही गांवों के आसपास पानी भरा था, इसके बाद सालों में चंबल में इतना पानी नहीं आया। चंबल का पानी चंबल किनारे के खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें यहाँ पर जो है वो खराब हो गई है।